गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। आज और भी ऊर्जा है, आज बजरंगबली का जन्मदिन है। आप सबको पवन सुत हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि उनकी कृपा सब पर बनी रहे। उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है। और बजरंगबली के जन्मदिन पर आज मैंने छोटी सी पूजा रखी है, हवन होगा और अभी तो मैं रेडी हूँ। और अपने घर की जो छोटी पूजा होती है डेली रूटीन वाली, वो मैंने कर ली है। तो अभी पंडित जी आते होंगे और पूजा होगी, थोड़ी सी हवन होगा। हवन करने से एक तो घर में बहुत अच्छा शुद्ध वातावरण हो जाता है, और कहते हैं कि इस हवन के माध्यम से सारा भोग सारी पूजा भगवान ग्रहण करते हैं। तो हवन का ये बहुत ही महत्व है। हमारे साधु संत ऋषि मुनि हवन का विशेष महत्व बताते हैं, और गाय के मुख से अग्नि मुख से भगवान ग्रहण करते हैं आपका भोग दिया हुआ। तो हवन होगा और बजरंग बली की जय हो। और बस हनुमान चालीसा गाते रहिए, पढ़ते रहिए, जय बजरंग बली करते रहिए। हाँ जी, आज बजरंग बली जी का जन्मदिन है, तो उनके विषय में कुछ बातें करते हैं। आप सभी को मालूम होंगी वो बातें, लेकिन मैं अपने से भी ये बातें कहना चाह रही हूँ कि उनका जन्म कैसे हुआ। उनकी माँ का नाम अंजनी है और पिता का नाम केसरी। तो अंजनी माता पहले इंद्र की सभा में पुंजक स्थली नाम की अप्सरा थी। तो वो इंद्र की सभा आयोजित की गई थी जिस पर गहन कोई चर्चा हो रही थी, किसी विषय पर बातें हो रही थी। तो वो आके उन बातों में अवरोध पैदा कर रही थी। इस पे वहाँ बैठे दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। उनको क्रोध वैसे भी आता रहता है, तो उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने पहले मना किया पर वो नहीं मानी। तो जब क्रोध में उन्होंने बोल दिया कि जा तू बंदरिया हो जाएगी। तो इस पर फिर जब वो रोने लगी तो बोले वो कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे कुछ सुधार कर सकता हूँ कि तुम्हारी शादी एक वानर देवता से होगी और तुम्हारे वानर पुत्र पैदा होगा जो बहुत ही कीर्तिवान, यशवान और अमर रहेगा। तो फिर वो अंजनी माता हुई और उनकी शादी वानर राज देवता केसरी से हुई, और जिनके घर में ये वानर पुत्र बजरंग बली पैदा हुए जो चिरंजीवी देवता हैं। आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे मन में हैं। और अभी तो तुलसीदास जी की राम कथा में वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भी देखे गए थे। जहाँ श्री राम हैं वहाँ बजरंग बली हैं। तो वो उस सृष्टि में जब तक रहेगी तब तक बजरंग बली इसी धरती पर हैं। और इन्हें पवन सुत भी बोलते हैं। तो इनके पिता पवन जी भी हैं। एक बार अंजनी माता बाहर अपना नहा धो के टहल रही थी बगीचे में, तो पवन जी और किसी पर नहीं लेकिन सिर्फ इन्हें ही अपनी हवा से गति दी और इनको हवा से छूते हुए आगे बढ़े। तो अपनी शक्ति देनी थी तो इनके वो पवन पुत्र इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि पवन की शक्ति इनके अंदर है। और इन्हें शिव जी का अवतार भी मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब राजा दशरथ शिव की तपस्या करा के हवन कर रहे थे तो जो प्रसाद तीनों रानियां उनकी खाईं उसमें भी कौवा वो खीर उठा के लेके चला गया था, और अंजनी माँ तपस्या कर रही थी हाथ खोल के, तो उनके हाथ में वो खीर गिरा दिया और उन्हें शिव प्रसाद समझ के उसको खा लिया। तो पवन पुत्र हनुमान जी और शिव अवतार रुद्र अवतार बजरंग बली की जय हो, ये उनकी जन्म कथा है। और जैसा कि लोग बताते हैं बस यही है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज भी कविता नहीं होगी, आज बजरंग बली का भजन होगा, दो लाइन, क्योंकि किसी भी माध्यम से आप अपने मुख से भगवान का नाम ले लीजिए, कलयुग में वो बहुत है। कहते हैं कि अगर मुख दिए हैं भगवान ने दिया है और आप मनुष्य हैं तो प्रभु का नाम लीजिए। तो आज ये अवसर है। तो वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे।
जय सिया राम भाई, जय सिया राम, जय सिया राम भाई, जय सिया राम। बिना सीताराम, बिना श्री राम का नाम लिए तो बजरंगबली प्रसन्न ही नहीं हो सकते, इसलिए हर उनके नाम के साथ सीताराम 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 सीताराम। पति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज बजरंग बली जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हवन हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुकून मिला। और इसकी जो खुशबू होती है पूरे घर में, बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई शब्द ही नहीं है। पूजा करके कितना सुकून मिलता है और बच्चे भी खुश हैं। तो हवन, पूजन, धर्म, भक्ति, हमारी आस्था, संस्कार, परंपरा है। जय सियाराम। सारा भोग लगा हुआ है, दीपक जल रहा है, अखंड दीपक, और ये सुंदर से बजरंग बली आज नए वस्त्र, माला, जनेऊ धारी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इनके वस्त्र, नहलाए धुलाए। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बजरंग बली। हम क्या हैं, तो तुच्छ प्राणी हैं। ये है पंडित जी की थाली, अभी इसमें राइस रखना बाकी है और ये अब भोग लगेगा। अति सुंदर हवन हुआ, बहुत अच्छा लगा। रेडी हो गई हूँ और देखिए मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ मंदिर जा रही हूँ। हो गया और परम सुख परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो सभी लोग बोलिए जय श्री राम, बजरंग बली की जय, और हनुमान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून और शांति मिलती है मंदिर आके। और चल रहे हैं और मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, और बस भजन कीर्तन दर्शन करके घर की ओर। हाँ, 550 एकदम रेडी थे। सब आज ज्यादातर कोशिश की थी ऑरेंज पहनने की, भगवान प्रसाद लेते हुए। ठंडा ठंडा कूल कूल शुगर केन जी, मैं पी के बताती हूँ कैसा है। ये तो भूल ही गए थे। ये तो खुल रहे हैं, कैसा है? बहुत यम्मी ना, मज़ा आ गया, सच्ची में मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। अपना देशी शुगर केन पीना चाहिए, यहाँ हेल्दी बढ़ा रही है, इम्यूनिटी बढ़ा रही है, और ये नारियल पानी पी रही है। बग्गी पे बैठ गए हैं और हम लोग सब घर जा रहे हैं, और बग्गी में बैठे कभी अलग ही सुख होता है, राजा की सवारी है ना। बग्गी पे भी फोन से बात नहीं करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स में। बग्गी से फोन, बग्गी में बैठ गए फोन, तो क्या हुआ, बैठे तो है, ये बहुत गलत बात है। देखिए सब लोग कितने खुश और हेल्दी ड्रिंक लेके और भी खुश हो गए हैं। हाँ जी, अभी भी मंदिर से आ गई हूँ और अब चाय पीने जा रही हूँ, बिल्कुल सुकून की, एकदम रिलैक्स हो की, क्योंकि सुबह से काफ़ी बिजी होने के नाते थकान लग गई और दौड़ भाग काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह बहुत जल्दी उठी, पंडित जी काफ़ी पंचुअल हैं टाइम के, तो वो ठीक अपने टाइम पे मॉर्निंग में आ गए और पूरा उनका प्रसाद भोजन सब बना के पूजा पाठ हुई। उसमें थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है, बट फिर भी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। और अब मैं अपने ब्लॉग का ही एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, बाकी जो मर्जी आए वो करिए। बाय बाय।